आपने खाना खा लिया और आपका पड़ोसी भूखा सो गया, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों ने एक यहाँ पर किचन का इंतज़ाम किया है, जहाँ पर लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों का खाना बन रहा है एक वक्त में। यानी कि आप देख सकते हैं खाना बनते हुए, यानी कि रोज़ाना 3200 लोग करीब लगभग 3200 लोगों का खाना बन रहा है यहाँ पर। और इस लोग इस लॉकडाउन के मौके पे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं कि मजदूर और सिलाई करने वाले लोग हैं जो रामनगर में रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी ये है कि उनके लिए खाने का इंतज़ाम कौन करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये खाने का इंतज़ाम किया है उन लोगों के लिए। आप देख सकते हैं खाना बन रहा है, इधर खाना बनते हुए देख सकते हैं कि, और यहाँ पर खाने को पैक कर रहे हैं काम चालू है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे लोग खाना पैक करके भेज रहे हैं लोगों को, और ये बहुत ही उम्दा काम है जो इन लोगों ने किया है। और इस मुश्किल घड़ी में इन लोगों की खाने की व्यवस्था करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है। और मैं यहाँ के लोगों की सराहना करता हूँ कि उन्होंने ये काम को जारी किया, शुरू किया। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इनकी मदद करें और इनके काम को की सराहना करें और इनकी मदद करें, ताकि ये रोज़ाना करीब 3200 लोगों को जो खाना खिला रहे हैं उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।